नमस्कार, देशोन्नतीच्या क्राइम बुलेटिन मध्ये मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं स्वागत करते। सध्या सर्वत्र सोशल मीडियाचे वेड खूप वाढले आहे, ज्यामुळे आजकालची तरुण पिढी प्रसिद्ध होण्याच्या लालसेपोटी अनेक वाईट गोष्टींच्या नादी लागून स्वतःचे भविष्य धोक्यात आणते। हल्ली लोक रील्सच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आपली कलाकृती पोहोचवतात, पण काही लोक मात्र प्रसिद्ध होण्यासाठी रील्स बनवताना सर्रास शिव्यागाळी करतात, घाण बोलतात। आणि दुर्दैवी बाब अशी की याच लोकांच्या रील्स जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे रील्स बघणाऱ्या लहानांपासून मोठ्या लोकांपर्यंत अतिशय वाईट संदेश पोहोचतो। लोकांना वाटत असतं की अशा रील्स टाकल्या तरीही कोणी काहीच बोलत नाही, परंतु आपल्या प्रत्येक हालचालींवर पोलिसांची बारीक नजर असते। अशीच एक घटना पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली आहे। इंस्टाग्रामवर रील्स बनवणारा एक युवक वैभव पराते याला शिवीगाळ आणि घाणघाण बोलून व्हिडिओ बनवण्याच्या दोषांतर्गत पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। त्यानंतर वैभव परातेचा माफी मागतानाचा व्हिडिओ देखील समोर आलाय। मेरा नाम वैभव पराते, मैं गाली वाली व्हिडिओ बना करता हूं, तो सबको माफी मांगता हूं। नागपुर पुलिस, नागपुर के लोगों से आजकल ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा कभी ना जिंदगी में। सॉरी भाई लोग, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। जो गलती हो माफ कर दो, अगली बार से वीडियो नहीं बनाऊंगा ऐसे में। बराबर है, साइबर के संबंधित साइबर ब्रांच अलर्ट रहे, अलर्ट मोड में रहता है। ऐसा कुछ गलत कुछ हो रहा है इंस्टाग्राम या साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम पूरा ध्यान निगरानी रखती है। माननीय पुलिस आयुक्त साहब, इनके निर्देश की तरफ से साइबर क्राइम अपना काम करता है। उनको भी ध्यान में आया कि पाचपाली एरिया में रहने वाला तांदापेट का वैभव परत है, वो इंस्टाग्राम में कुछ गाली गलौज का वीडियो अपलोड करके वो बहुत ही फॉलोअर्स मिला रहा, फेमस हो रहा है। इस पर दत्ता जो गुना वो रील्स चेक की है, हमने वीडियो चेक किए, उसमें बहुत गलत काम चल रहा है। माननीय वरिष्ठ के निर्देश से क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 के PSI देवकाते ने उन्होंने FIR किया, साहब ऐसे गलत काम चल रहा है। तो हम FIR दाखिल करके उसको काबू में लिए, उसका मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए और उसके ऊपर कायदेसर कार्रवाई किया जाएगा। अपने को ये समाज में ये मैसेज देना है कि ये जो गलत काम करने वाले हैं, गलत करने तो साइबर क्राइम अलर्ट है, हर तरह से इसको जी समाज में फालतूगिरी फैलाने वाले, गाली गलौज समझो और बाकी गलतफहमी फैलाने वाले, उनके ऊपर वाच रख के हमको कायदेसर कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। हमारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर ध्यान है कि जो गलत काम करेंगे जिस जुरिडिक्शन में है, वो साइबर क्राइम और यूनिट वाले ध्यान देके वो हमारे ध्यान में ला के देंगे, हम उनके ऊपर कायदेसर कार्रवाई करेंगे। उसका पिताजी, ये बचपन में रहते, उसका पिताजी छोड़ गया, माँ पालन पोषण करती है। फिलहाल वो नंगा पुतरा चौक के तरफ, वो तहसील एरिया में मोबाइल की दुकान में काम करता है। तो इसको आदत लग गई, चलो कुछ नहीं होता ऐसा समझ लिया उसने, लेकिन आज उसको कल से उसको सबक मिला है, वो आगे चल के वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, ये उम्मीद है। ऐसा नियम तो है, नियम का वो पालन करते नहीं करके फिर पुलिस अपनी कायदेसर कार्रवाई करता है। पाचपावली परिसरातील लष्करी बाग येथील एका ओयो हॉटेलमधील एका खोलीतील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता। त्या हॉटेलमधील काचा पारदर्शक असल्याने कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने हॉटेलजवळील पुलावरून तो व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। हा व्हिडिओ 6 महिन्यांपूर्वीचा असून या घटनेनंतर पोलिसांनी 6 महिन्यांआधीचे सगळे रेकॉर्ड्स तपासले आहेत व पोलिसांचा तपास सुरू आहे। बरोबर आहे, वो आपने ध्यान में आया, वो वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश के हिसाब से उसकी चौकशी सुरू है, एक सब इंस्पेक्टर कर रहा है। उसमें 6 महीने पहले का वीडियो है वो, तो वो ग्लास के बारे में, ग्लास मालक को बुलाया, ग्लास उसने चेंज कर लिया और सही में उसमें कौन था उसकी जांच परखने के लिए 6 महीने के पहले से पूरा रिकॉर्ड खंगाल रहे, उसके एविडेंस ले रहे। लेकिन वहाँ पे कोई 6 महीने पहले तक जो कोई रिकॉर्ड मिला है उसमें 18 साल के नीचे लड़का लड़की नहीं है। और दूसरी बात, उसमें जिसकी गलतियाँ है वो जाँच कर रहे, वो जानबूझ के अगर ये ऐसे मैसेज समाज में फैला के या होटल वाले का या दूसरा समाज में अगर गलत फहमी फैलाने, तो जो कोई ऐसा गलत काम करेगा तो मीडिया या कोई लीडर कोई भी, तो उनके ऊपर कायदेसर कार्रवाई होगा। नहीं, ऐसा गुर जो कोई गलत करने वाला मिलेगा, चौकशी में आएगा, तो उनके ऊपर कायदेसर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। पाचपावली व जरीपटका ठाण्याच्या हद्दीतील कुख्यात गुंड सौरभ सुधीर वासने याला पुण्याच्या येरवाडा मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा आदेश पारित करण्यात आलाय। कुख्यात गुंड सौरभ विरुद्ध दरोडा घालण्यासाठी एकत्र येणे, शस्त्राने दुखापत करणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, दंगा करणे, अश्लील शिवीगाळ करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे असे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहे। प्रतिबंधात्मक कारवाई करूनही त्याच्या वागणुकीत बदल झाला नाही, त्यामुळे पाचपावलीच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी त्याला स्थानबद्ध करण्याचा प्रस्ताव गुन्हे शाखेकडे सादर केला होता।
गुन्हे शाखे ने हा प्रस्ताव पोलीस आयुक्तांकडे सादर केला असता पोलीस आयुक्तांनी आरोपी सौरभला पुण्याच्या येरवाडा मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा आदेश पारित केलाय. सध्या आरोपी सौरभला नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. पिछले 7-8 साल से बहुत गुन्हे है, दरोड़ा डालना, हारनेट से लूट मार के एक्सटोरेशन, ऐसे गुने हैं. उसको इसके पहले भी एमपीडी किए थे तो भी सुधरा नहीं. बाद में 110 भी कार्रवाई की है छुट्टी आने के बाद. उसके बाद में भी और दो गुने हैं, एक जरीपटका में भी, पाचपाली में है, मारामारी का गुना है, हारनेट से दरोड़ा डालने की तैयारी है, ऐसे गुने हैं. वो सुधरने की कोशिश ही नहीं है उसका. इसलिए परसों के दिन उसको वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में उसके ऊपर जो लीगली कायदेशीर प्रोसीजर करके उसको 25 तारीख के नाइट में उसको एमपीडी के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त, सहायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त उनके मार्गदर्शन में कायदेशीर कार्रवाई करके उसको एमपीडी अंतर्गत 1 साल के लिए सेंट्रल जेल भेजा गया. सौरभ सुधीर वासनिक है, उम्र 27 साल, कुराड़पेट लश्करी बाग का है. ये सुधरने की उसको दिख रहा नहीं, इसलिए फिर से उसके ऊपर एमपीडी कार्रवाई किया गया. जरीपटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारे हरीश कराडे हे काही कामानिमित्त आपले वकील मित्र अश्विन वासनिक यांच्या घरी गेले असता त्यांच्यात कुठल्या तरी कारणावरून वाद झाला आणि त्या वादाचे रूपांतर मारापिटीत झाले. परिणामी वकील व त्यांचा मुलगा आविष्कार वासनिक यांनी मिळून हरीश कराडे यांना जीवानिशी ठार केले. या प्रकरणी मृतकाच्या पत्नी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे जरीपटका येथे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सोबतच दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आज 3:30 के बीच में पुलिस थाने को खबर मिली थी. उसी वक्त हमारे पुलिस पतक और PSI मारुति जंगलवार स्पॉट पर गए. स्पॉट पर तुरंत गए तो वहाँ पर उन दो आरोपी और जो मैत वो उधर मिले थे. आरोपी को ताबे में लिया, आगे की प्रोसीजर करके हमने गुनाह दाखिल किया है. उसमें ये मैत और आरोपी इनके पुराने जान पहचान वाले हैं. किस वजह से ये मर्डर हुआ है ये इसकी जानकारी अभी हम ढूंढ रहे हैं, तपास चालू है इसमें. ये आरोपी आरोपी जो है मोटा इंदुरा बोधवेर के सामने में गली में उनका रहने का घर है. इनके घर पे ये हादसा हुआ था और ये जो मयत है वो पहले इनके एरिया में रहने के लिए था, पुराने जान पहचान वाला था. और इनका एक केस भी इन्होंने चलाया था और ये उनको न्याय दिया था. यही जो मैयत और इनका कुछ जो झगड़ा हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था, किस वजह से हुआ था, वो अभी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है, बाद में जानकारी दी जाएगी. दोनों भी आरोपी बाप बेटे हैं, दोनों में हिरासत में अटक कर लिया है उनको. जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली वैसे हमारे पुलिस पतक वहां पर गया, तुरंत उनको ताबे में लिया था. गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 3 कडून वाहन चोरीचे एकूण 4 गुन्हे उघडकीस आणण्यात आले आहेत. ज्यात पोलीस ठाणे कोतवाली येथील 2, पोलीस ठाणे लकडगंज व पोलीस ठाणे कळमना येथील प्रत्येकी 1 अशा 4 गुन्ह्यांचा समावेश आहे. गुन्ह्यातील आरोपी सुनील रहांगडाले यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे व एकूण 90,000 मुद्देमाल जप्त केलाय. क्राईम बुलेटिन मध्ये आज इतकंच. पुन्हा भेटूया ताज्या क्राईम घडामोडींसह. बघत रहा देशोन्नती. नमस्कार.